सिंह के जो भी हथियारे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के फांसी की सजा दी जाए और पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत चढ़ेगा, पूरा भारत चढ़ेगा। अभी तो ये थोड़ी सी आग है, चुरू जोनू शिखर जयपुर हर राजस्थान के हर जिले में आग लगेगी। मीडिया वालों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि जो भी सरकार बने उसको संचेत बन दे, सरकार नहीं बनने देंगे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सुखदेव सिंह कोई गुंडा बदमाश नहीं था, राजनीति करता समाज का नेता था और राजपूतों के जो पीछे जो हाथ धो के पड़े हैं उनको सबक जरूर सिखाएंगे। सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दी जाए साहब, सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दे, उनको पकड़ा जाए और नहीं तो हम पूरे राजस्थान में आग लगा देंगे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान 22 राज्यों में करने देना है, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे हम। हमारे समाज के 36 कौम के बड़े नेता थे सुखदेव सिंह घोगामेड़ी, समाज के लिए गायों के लिए सुखदेव सिंह घोगामेड़ी लड़ता था। आज सुखदेव सिंह घोगामेड़ी की हत्या हो गई, उन्होंने एक साल पहले बोला था कि मेरे लिए बहुत ही सेवन आ रही है, मेरे लिए वो आ रहे प्रशासन, प्रशासन जिंदा वहाँ नहीं रहा, उन्हें विश्वास नहीं किया। गहलोत सरकार मुर्दाबाद। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी दी है, जो कर्णी सेना के जो फॉलोवर्स हैं, जो उनको उसको फॉलो करते हैं, उनके अंदर बेहद नाराजगी है। पूरा का पूरा राजपूत समाज जो है वो धमकी दे रहा है कि अगर हत्यारों को 24 घंटे के भीतर नहीं पकड़ा गया तो सड़कें जाम कर दी जाएंगी और सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन होगा। विनय, आप मुझे अब ये बताइए कि इस समय वहां पर जो भीड़ भाड़ है उसको काबू में करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी शोभना, जिस तरह से मैंने तस्वीरें अभी आपको दिखाई थी और यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो लोगों का जारी है। और जिस तरह से हमने अपने लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि ना केवल राजस्थान, पूरा देश के अंदर इसी तरह से और भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन वो करेंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन उसको दिया गया है और ताजुब की बात यह है कि इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, पुलिस आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि पुलिस को भी पता है कि पुलिस का यहाँ पे पूरा विरोध है। यहाँ पे राजपूत समाज से जुड़े हुए काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने के। सर, एक निंदनीय घटना यहाँ पे हुई है, किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, एक 36 कौम के नेता और एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका घर में घुसकर इस प्रकार से हत्या हो जाना ये एक छोटी बात नहीं है, शासन प्रशासन का फेलियर है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये उन्होंने पहले भी काफ़ी समय पहले भी सुरक्षा की मांग की थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं ये कारण बड़ी वजह है। और देखिए, जब आदमी सामाजिक क्षेत्र में होता है तो उसको सुरक्षा भी मुहैया करानी जानी चाहिए। और ये जो आप युवाओं में देख रहे हैं, ये जो रोष है, ये कहीं ना कहीं गुस्सा है शासन प्रशासन पे। और इसके अगर जो कार्रवाई तुरंत नहीं हुई उनके विषय में, अगर जांच का ये नहीं पता चलता है, इनसे ये पूछिए कि अगर ये बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग इसकी इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहा है तो क्या आखिर क्या दुश्मनी है करनी सेना के सुखदेव सिंह घोगामेड़ी की और लॉरेंस बिश्नोई का? ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि ये बात यहां तक नौबत पहुंच गई? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको आपसे जानना चाहूँगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, जो रोहित गोदारा है और जो गोल्डी बरार है उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की है। आखिर उनको क्या परेशानी थी सुखदेव सिंह घोगामेड़ी के द्वारा किए जा रहे कामों के चलते जिसकी वजह से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, घर के अंदर घुस के निर्मम हत्या की गई? देखिए, ये तो जाँच का विषय है, अभी कोई शासन प्रशासन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा करेंगे तब चीज़ें हैं। अब हम तो ऐसे किसी का कैसे नाम लेंगे, ये जाँच का विषय है। उनको पहले भी धमकियां मिल रही थी? पहले उनको, इनका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उनको पहले धमकियां मिली हैं, उन्होंने एक आध बार सोशल मीडिया पर भी डाला था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। मैं आपसे भी जानना, और भी यहाँ पे लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा जो आज घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है, अब आगे किस तरह से आप रोष जो है वो देखा जा रहा है? अब वर्तमान में जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं राजपूत समाज में, पूरा रोष है, पूरा राजस्थान जाम होने जा रहा है, पूरे राजस्थान के राजपूत समाज में।